हमारे सौर मंडल में ग्रहों की बात करें तो मंगल ग्रह सूर्य से 14.2 करोड़ मील की दूरी पर है। सौर मंडल में पृथ्वी तीसरे स्थान पर है, जिसके बाद चौथे स्थान पर मंगल है। धरती सूर्य से 9.3 करोड़ मील की दूरी पर है। धरती की तुलना में मंगल ग्रह लगभग इसका आधा है, जहां धरती का व्यास 7,926 मील है, जबकि मंगल का व्यास 4,220 मील है। अगर वजन की बात की जाए तो मंगल धरती के 10वें हिस्से के बराबर है। मंगल सूर्य का पूरा चक्कर 687 दिनों में लगाता है। इस आधार पर धरती की तुलना में मंगल सूर्य का चक्कर लगाने में दोगुना वक्त लेता है और यहाँ एक साल 687 दिनों का होता है। मंगल पर एक दिन 24 घंटे 37 मिनट का होता है, जिसे सोलर डे कहा जाता है। कपकपा देने वाली ठंड, धूल भरी आंधी का गुबार और बवंडर पृथ्वी के मुकाबले मंगल पर कहीं ज्यादा है। माना जाता है कि जीवन के लिए मंगल की भौगोलिक स्थिति काफी अच्छी है। गर्मियों में यहाँ का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और जाड़े में शून्य से लेकर -140 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। धरती की तरह मंगल पर भी साल में 4 मौसम आते हैं, पतझड़, ग्रीष्म, शरद और शीत। धरती की तुलना में मंगल पर हर मौसम लगभग दोगुना वक्त तक रहता है। धरती और मंगल पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति अलग होने के कारण धरती पर 100 पाउंड वजन वाला व्यक्ति मंगल पर 38 पाउंड वजन का होता है। मंगल के पास दो चांद है, फोबोस जिसका व्यास 13.8 मील और डेमियोस जिसका व्यास 7.8 मील है। मंगल और धरती दोनों ही 4 परतों से बने हैं। पहली क्रस्ट जो लौह वाले बसाल्टिक पत्थरों से बना है, दूसरा मेंटल जो सिलिकेट पत्थरों से बना है, तीसरे और चौथे बाहरी कोर और आंतरिक कोर धरती की कोर की तरह लोहे और निकिल से बने हो सकते हैं, लेकिन ये कोर ठोस धातु की शक्ल में है या फिर तरल पदार्थ से भरे हो सकते हैं। मंगल के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, 1.93% आर्गन, 0.14% ऑक्सीजन और 2% नाइट्रोजन है। साथ ही यहाँ के वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति भी पाई गई है। मंगल ग्रह की मिट्टी के लौह खनिज में जंग लगने के कारण यह लाल दिखता है। मंगल पर भेजे गए यानों ने जो जानकारियां दी है उनके अनुसार मंगल की सतह काफी पुरानी है तथा क्रेटरों से भरी हुई है, लेकिन कुछ नई घाटियां, पहाड़ और पठार भी हैं। मंगल की सतह पर किसी लिक्विड के बहने के सबूत मिले हैं। लिक्विड से पानी की संभावना अन्य लिक्विड पदार्थों से ज्यादा है। मंगल पर भेजे गए यानों के द्वारा दिए गए आंकड़ों से पता चलता है कि मंगल पर बड़ी झीलें या सागर भी रहे होंगे। मंगल के ध्रुवों पर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फ की परत है। उत्तरी गोलार्ध की कार्बन डाइऑक्साइड की परत गर्मियों में पिघल जाती है और केवल पानी की बर्फ की परत रह जाती है। मंगल की कक्षा में चक्कर काट रहे मार्स एक्सप्रेस ने इसको दक्षिणी गोलार्ध में भी होते देखा है। मंगल के अन्य स्थानों पर भी पानी की बर्फ होने की आशंका है। फोबोस पूरे सौर मंडल में अपने ग्रह से सबसे कम दूरी वाला उपग्रह है। इसकी मंगल की सतह से दूरी मात्र 6000 किलोमीटर है, जबकि हमारी पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी लगभग 384,000 किलोमीटर है। भले ही फोबोस मंगल के दूसरे उपग्रह डिमोस से बड़ा है, फिर भी इसकी गिनती सौर मंडल के सबसे छोटे उपग्रहों में की जाती है। फोबोस का औसत व्यास 22.2 किलोमीटर है और डिमोस का तो मात्र 12.6 किलोमीटर है। वर्तमान समय में मंगल ग्रह का राज जानने के लिए 8 अभियान काम कर रहे हैं, इनमें से 7 अमेरिका के द्वारा है। गर्व की बात है कि बाकी का एक अभियान भारत के द्वारा है।